अमीषा तिवारी, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। आई बढ़ते हैं आज की खास खबर की। महाराष्ट्र परिवहन विभाग आने वाले दिनों में बस का किराया बढ़ा सकता है। लगातार बढ़ते तेल के दाम से परिवहन विभाग को काफी घाटा उठाना पड़ रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक इस नुकसान की भरपाई के लिए परिवहन विभाग ने 17% किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। ऐसे में पहले से डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दाम से परेशान जनता को अब बस किराए के लिए भी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। किराया बढ़ाने के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर की परिवहन समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट को परिवहन विभाग के संचालक मंडल के सामने रखा जाएगा। हकीम समिति की महंगाई के अनुसार किराए में बढ़ोतरी की जाती है। महाराष्ट्र परिवहन विभाग फिलहाल 12,500 के आर्थिक नुकसान से जूझ रहा है। इसके अलावा कई करोड़ रुपए की उधारी भी चुकानी है। ईंधन के दाम बढ़ने की वजह से खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही कोरोना काल में यात्रियों की संख्या घटने की वजह से राजस्व में भी भारी कमी आई है। इसी वजह से 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी कई बार एसटी कर्मचारियों की पगार मिलने में दिक्कत पेश आई है। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे एचएन न्यूज़ के साथ।